काशी में बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लेने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में इसकी जानकारी दी है। सीएम रावत के मुताबिक बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में अब तक 130 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं अब मॉनसून में 59 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ गई है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि उत्तरकाशी के आराकोट में 15 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लापता हैं, जबकि 51 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, जिससे वायुसेना की भी मदद दी जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रूपये मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि केंद्र से भी हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। पूरे इस मानसून सत्र की से जो हमको नुकसान हुआ है राज्य में 15 जून से और वर्तमान तक, तो अभी तक कुल मिलाकर 59 व्यक्तियों की इसमें जान गई है, 59, और 55 लोग इसमें घायल हुए हैं, 12 लोग लापता हुए हैं और 62 बड़े व 263 छोटे पशुओं। मृतकों को 4 लाख रुपया प्रति मृतक ये राशि वितरित की जा रही है, और जो पशु हैं, गौशाला है, जो भवन क्षतिग्रस्त हैं उसके क्षति का आकलन किया जा रहा है। पशुओं में भी पशुओं के हिसाब से उसकी जो मुआवजा राशि वो सुनिश्चित है कि भैंस का कितना है, गाय का कितना है, अलग अलग पशुओं का सुनिश्चित है, तो उस हिसाब से उनको वो दिया जाएगा। कुल मिलाकर 300 कार्मिक जो खोज और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कुल 70 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। इसमें मेजर पार्ट ये मोरी तहसील का है, और उसमें भी जो कोटी गाड़ जो घाटी है उसमें ज्यादा इससे नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें 51 गांव व तोप ये प्रभावित हुए हैं, जिनमें मानव हानि जो है ये 14+1 ये कभी अज्ञात हैं, यानी कुल मिलाकर 15 मानव हानि हुई है, 6 लापता है और घायल 8 व्यक्ति हैं, और एक अनुमान है कि 130 करोड़ रुपए का ये लगभग नुकसान हुआ है। अगर हम सेब की बागवानी और सेब उनकी आर्थिक का आधार है, और इस समय सेब पेड़ों पर खड़ा है, जिस तरह से सड़क बन रही है तो हमको लगता है वैसे 2-3 दिन में सड़कें बन जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ट्रांसमेंट करना है, उनको परिवहन करना है, तो जो भी उस पर खर्चा आएगा, अतिरिक्त जो भी खर्चा आएगा उसको राज्य सरकार वहाँ पर बहन करेगी, ताकि जो वहाँ के किसान हैं, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उन पर अतिरिक्त लोड न पड़े।